हाँ बच्चों, पिछले दो क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशंस पे छोटे छोटे बेस्ट प्रॉब्लम कर रहे थे। तो बेसिक्स मैथ्स में इतना इंटीग्रेशन आपके लिए काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, सही है। और इतने ही इंटीग्रेशन को आप ढंग से करें, जो क्वेश्चन मैं कराया हूँ उसको ढंग से करो और जो होमवर्क दिया हूँ उसको कर लो, सही है। अब लिखो यूज ऑफ लिमिट इन इंटीग्रेशन, लिमिट इन इंटीग्रेशन। मैं आपको बताऊं तो मैथमेटिक्स का एक अलग चैप्टर ही है, उसको बोला जाता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्या बोला जाता है? डेफिनाइट इंटीग्रेशन। वो भी लंबा चैप्टर है, वो तो पिछला वाला तो है 25-30 क्लास का, ये भी 12-15 क्लास का है, सही है। उसको डेफिनाइट इंटीग्रेशन बोलते हैं। हम लोग जो पढ़ रहे थे ना वो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, अभी तक क्या पढ़ रहे थे? इनडेफिनाइट, है ना, IN और डेफिनाइट इंटीग्रेशन। और ये जो है वो डेफिनाइट इंटीग्रेशन है। क्या है? डेफिनाइट, सही है। तो लिमिट यूज कैसे करते हैं? जैसे होगा क्या, पहली बात कि ये मान लो कि a और b लिखा हुआ है, सही है, इंटीग्रेशन के ऊपर ऐसे लिखा रहेगा, डरना नहीं, सही है। इंटीग्रेशन के मुंडी पे b लिखा हुआ है और नीचे वाले पैर में क्या लिखा हुआ, a। तो ये यहाँ पे पहली बात, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल तो सर x है। कैसे पता लगा? dx लिखा हुआ है उससे। वेरिएबल क्या है? x है। वेरिएबल क्या है इंटीग्रेशन का? x है, सही है। यहाँ पे हो सकता है कि फिजिक्स में dt मिले, dv मिले, dz मिले, कुछ भी मिल सकता है, सही, उससे कोई दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए। तो वेरिएबल x है, उसी वेरिएबल का ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। ए को बोलोगे क्या? ए को क्या बोलोगे? लोअर लिमिट ऑफ किसका? x। लोअर लिमिट ऑफ क्या? x। और b को क्या बोलोगे? अपर लिमिट ऑफ x। b को क्या बोलोगे? अपर लिमिट ऑफ क्या? x। a इज कॉल्ड लोअर लिमिट ऑफ x एंड b इज कॉल्ड अपर लिमिट ऑफ x। a को बोला जाएगा x का लोअर लिमिट और b को बोला जाएगा क्या? x का अपर लिमिट। यहां तक कोई समस्या नहीं है, सही है। अच्छा, मान लो कि हम ऐसा जानते हैं, हम ऐसा जानते हैं कि fx का जो ये इंटीग्रेशन सिंबल है, fx का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है? gx है। हम पहले से जानते हैं कि fx का इंटीग्रेशन क्या है? gx है। अच्छा तो ठीक है सर, तो इंटीग्रेशन क्या है? a से b है, fx dx है, सही है, यही है ना। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे देख लो भाई। तो सबसे पहले fx जो अंदर वाला है ना उसका इंटीग्रेशन जानते हो तो लिख दो। जो अंदर वाला टर्म आपको दिखाई दे रहा है अगर उसका इंटीग्रेशन आप जानते हो तो क्या करो? लिख दो, कोई दिक्कत नहीं सर। तो अंदर वाला टर्म का इंटीग्रेशन हम जानते हैं gx होता है, और लिमिट को हटाना नहीं है, अभी लिमिट को ऐसे ब्रैकेट पर लिखना है। इंटीग्रेशन लिखोगे इंटीग्रेशन सिंबल हट जाएगा, सही है। अब देखो लिमिट की यूज कैसे करना है, यहाँ तक सही है। तो आप क्या करना है, x के जगह पर पहले ऊपर वाला वैल्यू रख दो gb, और बीच में नेचुरल माइनस आएगा, हमेशा हमेशा और हमेशा माइनस। अब नीचे वाला वैल्यू रख दो तो gb माइनस क्या हो जाएगा? ga। पहले ऊपर वाला वैल्यू पुट अप करना माइनस, फिर नीचे वाला वैल्यू। जैसे मैं आपको एक छोटे से क्वेश्चन से समझाऊं तो ये देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, और मान लो कहाँ से, 2 से कहाँ तक? 3 तक। 2 से कहाँ तक? 3 तक। कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन जानते तो आसान चीज़ है फिर ये। हाँ सर, क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन कर दीजिए x पे पावर 3/3। अच्छा, नंबर को घेरे में मत लेना, जो नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है ना मल्टीप्लाई डिवाइड में उसका, है ना, उसको बाहर ही रखना ब्रैकेट से। 2 से कहाँ तक? 3 तक। अब x के जगह पे कौन रखना है? पहले ऊपर वाला वैल्यू तो रख दिया 3/3, माइनस फिर किसको रखना है? नीचे वाले को। नीचे वाला क्या है? 2/3 और डिवाइडेड बाई 3 नीचे में। अब 27-8, ये 3/3 क्या होता है? 27 ही होता है ना भाई। हाँ सर, सही है, 3/3 क्या होता है? 27 होता है। 27-8 क्या हो जाएगा सर? 19 भाई क्या हो जाएगा? 3, यही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, ये क्वेश्चन से मेरे ख्याल से आपको ढंग से समझ में आया होगा। चलिए, आपको नहीं समझ में आ रहा तो कुछ और क्वेश्चन मैं आपको छोटे छोटे बताता हूँ। देखिए, मान लो कि अपने सामने कभी ऐसा क्वेश्चन है कि मान लो 1 से लेकर कहाँ तक? 3 तक, और क्या है? एक्स डी एक्स है। एक्स क्या है? डी एक्स है, सही है। इसका क्या करना है अपने को? इंटीग्रेशन करना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर? एक्स स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन तो आप करना सीख चुके हो, 1 से लेकर कहाँ तक? 3 तक। अब रख दो एक्स जगह पे कौन, पहले कौन? ऊपर वाला वैल्यू 3 का स्क्वायर, माइनस तो आएगा ही आएगा, फिर नीचे वाला वैल्यू एक्स के जगह पे 1 का स्क्वायर बाई क्या? 2। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 9-1 क्या हो जाएगा? 8। 8/2 क्या हो जाएगा? 4। देख लो, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए। देखिए भाई, 5 मान लो क्या है? एक्स पे पावर 4 dx, सही है, सही है। और मान लो कि 1 से कहाँ तक है? 2 तक है। 1 से कहाँ तक है? 2 तक है। तो इंटीग्रेशन कर लो पहले। सबसे पहली बात, कैसे करोगे इंटीग्रेशन? सर, इंटीग्रेशन करेंगे उसमें से सबसे पहले कौन बाहर आ जाएगा? 5 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा बाहर,
हाँ सर, तो 5 को बाहर ले आओ, सही है। और x पे पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, x पे पावर 5 बाई 5 होगा, 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, लिमिट क्या है 1 से लेकर 2 तक, सही है। फिर क्या रखोगे, पहले 2 रखेंगे तो 2 पे पावर 5 x की जगह पे माइनस 1 पे पावर 5 और डिवाइडेड में नीचे में कुछ नहीं है, 2 पे पावर 5 कितना होता है 35 और 1 पे पावर 5 क्या था 1, दिया जाएगा 31। देख लो भाई, अगर ऐसे है 0 से देख लो पाई बाई 2 cos x dx, ये पाई बाई 2 एंगल के बारे में मैं मैथमेटिक ट्रिग्नोमेट्री में समझाया हूँ, सही है। तो 0 से पाई बाई 2 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। अब ये मत पूछो सर होता कैसे है, आप मैथमेटिक्स मेरा ट्रिगो का पोर्शन देखिए वहाँ समझ में आएगा, सही है। तो क्या आ जाएगा sin पाई बाई 2 और माइनस क्या sin 0, sin पाई बाई 2 मतलब sin 90 1 होता है, sin 0 0 होता है, छोड़ दो उसको, तो ये आ जाएगा आंसर क्या 1 आ जाएगा, सही है। इस तरीके से हम लोग लिमिट का यूज करते हैं, लिख लीजिए कोई दिक्कत, देख लो 2-4-5 क्वेश्चन और कराता हूँ, सही है यहाँ तक, हाँ सर। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं जाना चाहिए, लिमिट कैसे यूज करते हैं, सही है, बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए और इंटीग्रेशन करने के बाद एक्स के जगह पे पहले ऊपर वाला वैल्यू रखना, फिर क्या रखना नीचे वाला वैल्यू रखना, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर, सॉल्व कर देना। जैसे देख लो कुछ और क्वेश्चन, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। जैसे देखिए कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं अपन, जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0 से लिख लो 2, 0 से कहाँ तक 2 तक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx, किसका इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस क्या 3 का, एक मिनट रुक जाओ इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ, 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस क्या 3, सही यहाँ तक, हाँ सर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे। चलिए पहले वाले का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x पे पावर 3/3 होगा और दूसरे वाले में 3 बाहर आ जाएगा तो 3x हो जाएगा उसका, लिमिट लगा दो दोनों के ऊपर अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं सर, एक ही साथ लिमिट लगाए तो भी आंसर वही आएगा, अलग अलग लगाओगे तो भी वही आएगा, सही है यहाँ तक, देख लो ठीक है। अब यहाँ रख दो 2 पे पावर 3 क्या आ जाएगा 8 और माइनस 0 पे पावर 3 0 तो ये 8/3 आ जाएगा, और ये कितना 3, यहाँ 2 रखो 2 माइनस 0 क्या 2, 3 जगह जाएगा 6, ऐड कर दो 6 जगह 18+8 26 भाई क्या 3, सही है, हाँ सर। कुछ और क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ मान लो ऐसा है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 dx, सही है, और 1 से लेकर कहाँ तक 2 तक है, 1 से कहाँ तक है 2 तक है, सही है, हाँ सर। तो पहले वाले में बाहर कौन आ जाएगा 2, इंटीग्रेशन कर दो x पे पावर 3/3, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से 2 तक, प्लस दूसरा वाला में क्या आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 कहाँ से कहाँ तक 1 से 2 तक, अगले में बाहर कौन आ जाएगा 2, dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x होगा 1 से लेकर कहाँ तक सर 2 तक, सही है, देख लो भाई। अब देखो लिमिट यूज कर रहा हूँ डायरेक्ट में, देखो इधर 2/3 तो बाहर रहेगा, अच्छा 2 पे पावर 3 यहाँ रखोगे 2 पे पावर 3 क्या 8 माइनस 1 पे पावर 3 क्या 1, तो 8 माइनस 1 क्या जाएगा 7, कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लें, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 क्या जाएगा 3, 3/2 और 2 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे तो 2 ही आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 ही आएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए कितना जाएगा 14/3 और प्लस क्या 3/2 और प्लस क्या 2, सोल्व कर लो जो भी आंसर आ जाए वही आंसर हो जाएगा, सही है ना, इतना ऐड करना जानते ही हो आप, सही है, हाँ सर। कुछ और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx
सही है। और वन से ले लो कहाँ तक, थ्री तक, वन से कहाँ तक, थ्री तक, ये भी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आराम से हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ सर, पहले वाले में क्या बाहर कर लोगे, फोर, और क्या जाएगा एक्स स्क्वायर का, एक्स पे बाहर थ्री बाई थ्री, वन से लेकर कहाँ तक, थ्री तक, माइनस थ्री, एक्स का इंटीग्रेशन क्या, एक्स स्क्वायर बाई टू, कैसे, एक्स पे पावर वन है ना, हाँ सर, वन से लेकर कहाँ तक, थ्री तक, सही है। और टू बाहर आ जाएगा डी एक्स का, क्या जाएगा एक्स, वन से लेकर कहाँ तक, थ्री तक, सही है, देख लो यहाँ तक। हाँ सर, अब क्या आ जाएगा, फोर बाई थ्री, ध्यान देना, इन टू थ्री पे पावर थ्री कितना होता है, 27 और माइनस वन 26, माइनस थ्री बाई टू, टू पे पावर थ्री क्या, एट, सॉरी थ्री पे पावर टू ना, हाँ थ्री पावर टू क्या, नाइन, नाइन माइनस वन क्या, एट, तो यहाँ एट, और प्लस थ्री माइनस वन कितना जाएगा, टू, टू टू जाएगा फोर, सोल्व कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा, 104 बाई थ्री और माइनस ये कैंसिल कर दो, सही है, थ्री फोर जा 12 हो जाएगा, और प्लस क्या, फोर, सोल्व कर लीजिए इसको, जो भी आंसर आ जाए एलसीएम वगैरह लेके, सही है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाएगा आपके लिए। कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क लिख दे रहा हूँ, देख लो, कर लेना जाकर घर पे, वन से फाइव, वन से फाइव, टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स, सही है, वन से थ्री, वन से थ्री, ये सब कर लेना क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वन से थ्री, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन डी एक्स, सही है। कुछ और क्वेश्चन देख लो, वन से टू, टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन डी एक्स, टू से थ्री, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री डी एक्स, सही है। एक और लिखोगे तो लिख लो, जीरो से टू, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सेवन डी एक्स, ये पांच क्वेश्चन है, कर लेना प्रैक्टिस, ऐसे ही लिमिट यूज करते हैं, बाकी ज़्यादा क्वेश्चन कराने कोई मतलब नहीं है, सही है। आपको मेन सीखना था लिमिट यूज कैसे किया जाता है, सही है। हाँ सर, मिटा रहा हूँ भाई, देख लो, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हाँ सर, तो आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा देख लो, कुछ फार्मूले मैं आपको डेराइव करके बताता हूँ, जो इंटीग्रेशन के हेल्प से होते हैं, जिन फार्मूलों को आप पहले से जानते थे उन्हीं को मैं डेराइव करके बताता हूँ। क्लास नाइन्थ में काइनेमेटिक्स वाले जो फार्मूले थे, मोशन विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन में वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक और क्या था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस या टू ए एक्स भी बोल सकते हो, जो भी चीज़, ठीक है। ये सब फार्मूले को अपन डेराइव कैसे करते हैं उसको देखते हैं। चलिए, इंटीग्रेशन के हेल्प से, सही यहाँ तक, हाँ सर। तो अब अपन देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, क्या देखने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, सही। अब चाहो तो हेडिंग डाल लो, एप्लीकेशन ऑफ क्या, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का फिजिक्स में एप्लीकेशन कैसे करते हैं, ऐसे एप्लीकेशन तो बहुत जगह पर होता है, पूरा मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, मतलब हर एक चैप्टर में यूज में आता है, सही। स्टार्टिंग में जो काइनेमेटिक्स वगैरह जो ज़्यादा यूज में आते हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ आपको। चलिए देखा जाए, आपको याद होना चाहिए कि मैं आपको बताया था कुछ फार्मूला डिफरेंशिएशन के लास्ट में, वेलोसिटी क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, डिस्प्लेसमेंट, यानी डी एस बाई डी टी, एस क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है, या डी एक्स बाई डी टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, कोई दिक्कत, वी क्या है, वेलोसिटी, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद मैं आपको बताया था एक्सेलरेशन, सही है, एक्सेलरेशन क्या होता था, एक्सेलरेशन होता था सर डी वी बाई डी टी, और एक्सेलरेशन का एक और फार्मूला बताया था, याद होना चाहिए, वेक्टर साइन चाहो तो आप मार सकते हो, ठीक है। एज कस्टू मैं आपको बताया था वी डी वी बाई क्या डी एक्स, ये भी बताया था, सही है, ये तीन फार्मूले याद होने चाहिए, सही है। अब देखो कौन सा चीज़ क्या है इसमें, आपको ढंग से मालूम होना चाहिए, वी क्या है सर, वेलोसिटी है किसी रैंडम टाइम टी पे, एस क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट है, टी क्या है सर, टाइम है, टी क्या है, टाइम है, अच्छा और कुछ है, एक्स या एस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलो एक्स ही लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। और कोई चीज़ तो नहीं बचा मेरे ख्याल से, नहीं सर, है ना, आप डी एस बाई डी टी भी लिख दे तो कोई बुरा नहीं है, है ना, ठीक है। चलिए
अब मान लो कि लेट हमने ऐसा किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन को क्या मान लिया? कांस्टेंट, मतलब कोई नंबर टाइप है, 2, 3, 4 ऐसा है कुछ। एक्सेलरेशन क्या मान लिया? कांस्टेंट। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान लिया तो सेकंड वाला फार्मूला देखिए, ए की वैल्यू क्या है? डीवी बाई डीटी है कि नहीं है? सही है? हाँ सर। अच्छा, ए की वैल्यू डीवी बाई डीटी है तो अपन लिख क्या सकते हैं, देखना ध्यान देना, अपन लिख ये सकते हैं सर, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डीवी की वैल्यू क्या आ जाएगा सर? देयरफॉर डीवी की वैल्यू हो जाएगा ए डी टी। क्या आ जाएगा? ए डी टी। सही, यहां तक सही है। अच्छा अब सुन लो, डीवी से अपने को भी लाना है। डीवी से क्या लाना है? भी लाना। थोड़ा सोचना, डीएक्स से एक्स कैसे आता था? दोनों तरफ डीएक्स डीएक्स है तो डीएक्स में क्या करते हो तो एक्स आता है। सोचो, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो। इंटीग्रेशन, डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स। तो डीवी से भी कैसे आएगा? सर करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, अभी तो समझना पड़ेगा। सही है, बोथ साइड यूजिंग इंटीग्रेशन। बोथ साइड क्या यूजिंग? क्या इंटीग्रेशन, दोनों तरफ क्या यूज कर रहे हैं अपन? इंटीग्रेशन। सही है, हाँ सर। तो इंटीग्रेशन यूज कर दीजिए। अच्छा, इंटीग्रेशन यूज करोगे तो याद रहे ये बात, लिमिट आपको लगाना पड़ेगा। सही है, कोई दिक्कत? अच्छा, भी क्या है डीवी में? भी क्या है? वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है पार्टिकल का? सर नहीं पता, जीरो भी हो सकता है या कुछ हो भी सकता है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू मान लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या मान लेते हैं? बी। तो यहाँ पे किसका किसका लिमिट आता है? ये वाले का ना, बी का ना। अरे डीएक्स में यहाँ पे एक्स का लिमिट आता था ना यार, सोचो ना, समझो बात को। तो यहाँ पे किसका? ये मान लो कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू। और फाइनल वेलोसिटी क्या है? बी। और टाइम को, स्टार्टिंग टाइम को आप जीरो मान सकते हो, फाइनल टाइम को टी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर इनिशियल वेलोसिटी को जीरो मान लेते तो? मान लेते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आपको पता होना चाहिए थे, फार्मूले आप पढ़े थे नाइन्थ में, उसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या लिया गया था? यू। सही है, आप सुन लो मेरी बात। ए क्या है? कॉन्स्टेंट है। ए कहाँ आ जाएगा? इज्जत पूर्वक बाहर आ जाएगा। जो कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन में रहते हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं। डीवी का इंटीग्रेशन क्या होता है? बी। कैसे? सर डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स, आपको याद होना चाहिए। डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था? एक्स था ना। ऐसे डीटी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ऐसे डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। यही बात मैं बता रहा हूँ। सही है, हाँ सर सही है। तो डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? भी। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? यू से लेकर कहाँ तक? भी तक। इज इक्वल टू ए बाहर आएगा, आएगा। और डीटी बचेगा सिर्फ, डीटी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी। जीरो से लेकर कहाँ तक? टी तक। देखो यहाँ तक सही है, सही है यहाँ तक। देखो भाई क्लियर। अच्छा, अब लिमिट यूज करना जानते हो? लिमिट कैसे यूज करते हैं याद है? सर पहले ऊपर वाला वैल्यू रखते थे भी के जगह पे, तो भी माइनस देते थे, फिर नीचे वाला वैल्यू रखते थे माइनस यू। और यहाँ भी वही, पहले ऊपर वाला वैल्यू टी के जगह पर टी ही आएगा। सही है, और माइनस क्या? जीरो। तो भी माइनस यू इज इक्वल टू क्या जाएगा? ये टी। सही है, तो भी की वैल्यू क्या जाएगा? यू प्लस ये टी। देखो ये फार्मूला पढ़े हो, ये सब वेक्टर फॉर्म में सही होते हैं। सही है, वेक्टर साइन लगा दो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर हो? हाँ सर। यानी भी इज इक्वल टू क्या आ गया? यू प्लस ये टी। ये पहला फार्मूला था, सही है, किसका? काइनेमेटिक्स का। सही है, हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर, देख लो भाई। सही है। अच्छा, अब थर्ड वाला का यूज करता हूँ। किसका यूज करता हूँ? थर्ड वाले फार्मूले का, या चलो इसी का यूज करता हूँ, है ना, फर्स्ट वाले का। किसका यूज करता हूँ? फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाला क्या है? नाउ फर्स्ट वाला है सर, भी इज इक्वल टू क्या? डी एक्स वाई डी टी। भी इज इक्वल टू क्या? डी एक्स वाई डी टी या डी एस वाई डी टी, आपको जो लिखने का इच्छा है लिखो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को बोल रहा हूँ, आप एस बोलते हो। सही है, हाँ सर। चलिए फिर से वही बात, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो डी एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा? भी डी टी। अच्छा ध्यान रहे, डी एक्स से एक्स कैसे आएगा? सर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब तो समझ, क्या भी कॉन्स्टेंट है वेलोसिटी? नहीं, मैं कॉन्स्टेंट किसको बोला हूँ? एक्सेलरेशन को। तो भी की वैल्यू क्या है? यू प्लस ए टी, टाइम डिपेंडेंट, ये तो है, उसको पुटअप करो यहाँ पे, इस वैल्यू को यहाँ पुटअप करें। सही है, क्लियर हो? तो क्या आ जाएगा सर? देयर फोर अभी देख लो, यू प्लस ए टी, आप करेंगे इंटीग्रेशन, यू प्लस क्या? ए टी इंटू क्या? डी टी। सही है, देख लो यहाँ तक। अब दोनों तरफ क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो। दोनों तरफ क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। सही यहाँ तक? हाँ सर। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन, और यहाँ इधर की तक किसका? यू प्लस ए टी का, यू प्लस ए टी का। हाँ सर, देखो यहाँ तक सही है। अच्छा, डी एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगा? एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट ना, तो जीरो से कहाँ तक ले लो? एक्स तक। अच्छा, इधर इधर वेरिएबल क्या है? टाइम। कैसे पता लगा? सर डी टी लिखा हुआ है, तो जीरो से लेकर कहाँ तक? टी तक। सही है, देख लो भाई, देख लो, इधर मिटा रहा हूँ भाई, ये इधर देख लो, इस साइड में, कोई दिक्कत नहीं सर।
इंटीग्रेशन के यूज कैसे करते हैं, एप्लीकेशन क्या होते हैं, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये बात आपको ध्यान रहना चाहिए, सही है। कैसे फिजिक्स में यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज में आता है, ये सब बातें आपको डिस्कस किया जा रहा है। अब चलो, कोई दिक्कत नहीं भैया, डीएक्स का इंटीग्रेशन लिख लो। जिन बच्चा को समझ में आ गया, जिस बच्चे को, वो लिख ले आराम से, सोल्व कर ले यहां से। चलिए, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा रे भाई? सर dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये वाला मिटा रहा हूं भाई, इधर वाला भी सही है। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है यहां तक? हाँ सर। चलिए अब इंटीग्रेशन कीजिए इज्जत पूर्वक, सही है। dx का इंटीग्रेशन x लिख दो सीधा सीधी, dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, होगा? हाँ सर, ये तो बहुत दिन से करते आ रहे हैं सर, जीरो से लेकर कहाँ तक, x तक, सही है। अच्छा, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, u कांस्टेंट रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या रहता है? अरे भाई, ऐसा थोड़ा कि आप इनिशियल वेलोसिटी को एक ही मोशन में आप बदल दिए, आप चलना शुरू किए तो आपकी स्पीड तो होगी ना कुछ फिक्स इनिशियल, सही, उसको नहीं बदल सकते। हाँ, फिर आगे चलने पर टाइम टू टाइम अपने वेलोसिटी को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो यू बाहर आ जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, डी टी, डी टी का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, टी, जीरो से लेकर कहाँ तक, टी तक, ये बाहर आ जाएगा। बिकॉज ये पूरे खेल में कांस्टेंट है, हमेशा होता नहीं है लेकिन हम लोग मान चुके हैं कांस्टेंट स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग में मैं हेडिंग डाला था एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। चलिए, यहाँ एक्स की जगह पे एक्स आ जाएगा, जीरो रखने का कोई फायदा नहीं है, इधर भी क्या आ जाएगा, यू टी, और वन बाई टू को इधर आगे लिख रहा हूँ, यहाँ पे वन ले सकता हूँ इन टू में, कोई दिक्कत नहीं है। ए टी स्क्वायर याद आया फार्मूला, ए सी जी कस्टू यू टी प्लस हाफ बी टी स्क्वायर जो पढ़ते थे, यहाँ पे मैं एक्स जी कस्टू लिखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अपना डिस्प्लेसमेंट क्या है, x है, x इज इक्वल टू क्या जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही है। ये सेकंड नंबर का काइनेमेटिक्स का फार्मूला था, सही है। आप चाहो तो वेक्टर साइन लगा सकते हो, किसके ऊपर, a के ऊपर और u के ऊपर और क्या, x के ऊपर, टाइम वेक्टर नहीं होता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए नाउ, अब थर्ड वाला एक्सेलरेशन वाला जो फार्मूला है याद करो उसको, a इज इक्वल टू क्या है, v dv / क्या, dx, सही है, क्लियर हो? हाँ सर। अच्छा, यहाँ से फिर वही काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या जाएगा, वी डी वी इज इक्वल टू क्या जाएगा, ए डी एक्स। सर वी की वैल्यू फिर रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा, क्यों, अभी तो यहाँ वेरिएबल क्या है, डी वी है ना, तो डी वी के रेस्पेक्ट में वी का इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे इसलिए पुटअप करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो था ना वी के साथ मल्टीप्लाई हो गया था, डी टी था, तो टाइम के फंक्शन के रूप में आपको क्या, वी पुटअप करना पड़ता, इसलिए वहाँ पुटअप किए थे, ये तो आसान हो गया, सही है। तो इंटीग्रेशन कर दो सीधा, वी डी वी इज इक्वल टू, ए बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, कॉन्स्टेंट है डी एक्स, जीरो से लेकर एक्स तक, और ये u से v तक, याद रहे वेलोसिटी हमेशा u से v तक लेते हैं, इंटीग्रेशन के जब v पे पावर क्या है, 1 है ना, तो क्या जाएगा, अरे x dx टाइप का है और क्या, v स्क्वायर बाई टू, यू से कहाँ तक, v तक, और dx का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, x, जीरो से लेकर कहाँ तक, x तक, सही है। हाँ सर, देख लो भाई यहाँ तक, ठीक है, हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा रहा हूँ, देख लो भाई, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, सही है। अच्छा, अब रख दो लिमिट, यहाँ पे रखोगे तो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या, यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई नीचे में क्या, टू, सही है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई क्या, टू, और यहाँ पे रख दो राइट साइड में, राइट साइड में रखो तो क्या हो जाएगा, ए एक्स, क्या हो जाएगा, ए एक्स, सही है, ए एक्स इंटू कर लो तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू ए एक्स, तो यू स्क्वायर को उधर लेकर चले जाओ तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगा, यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, आप टू ए एक्स पढ़े होंगे, सही है। देख लो भाई, ये था कौन सा फार्मूला, थर्ड नंबर का काइनेमेटिक्स का फार्मूला, सही है। तो तीनों फार्मूले का अपन डिराइव करके देख लिए, क्या क्या था मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। पहला फार्मूला क्या था अपना, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कैसा आया, इंटीग्रेशन के हेल्प से आपको बताया गया। दूसरा क्या था सर, एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स इज इक्वल टू क्या, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको भी कैसा आया बताया गया। तीसरा क्या था सर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, यू स्क्वायर प्लस क्या, टू एक्स। ये तीनों फार्मूले को मैं डिराइव करके बताया हूँ, इंटीग्रेशन से कैसे डिराइव करते हैं, देख लीजिए ढंग से, आपको नहीं समझ में आए दोबारा बैक करके देखें, है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं जाएगा। क्लास इलेवंथ वाले जो बच्चे होंगे थोड़ा सा मेहनत लगा होगा समझने में, बाकी कोई ज़्यादा समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, सही है। हाँ सर, मिटा रहा हूँ भाई, देख लो फटाक से लिखो। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए,
ठीक है। हाँ सर, चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन ना, इन्हीं में जो इंटीग्रेशन के लिए से क्वेश्चन बनते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं है? चलिए देखिए क्वेश्चन। देखिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि कोई पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी दी गई है v इक्वल टू 2t + 3 है। ऐसे रहेगा क्वेश्चन लिखा हुआ, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय, या वेलोसिटी एंड टाइम इज रिलेटेड बाय v इक्वल टू 2t + 3, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, है ना, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। मैं डिस्टेंस नहीं निकाल रहा हूँ भाई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल दोनों अलग चीज़ होते हैं, सही है। अगर फिजिक्स में कभी डिस्टेंस निकालने की बात आई है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, तो मतलब मान लो कि फंसा लिया गया आपको, वो सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई पार्टिकल इन फर्स्ट थ्री सेकेंड। शुरू को 3 सेकंड में आपको क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। भीज का क्या दिया गया है? 2t + 3। अच्छा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट कैसे करते हो? वेलोसिटी क्या लिखते थे? dx/dt। वेलोसिटी क्या लिखते हो? dx/dt। क्या हो जाएगा? 2t + 3। सही, यहाँ तक देख लो भाई, यहाँ तक देख लो, कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, सही है। हाँ सर, अब ध्यान देंगे, क्लियर हो? हाँ सर, अब क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, dx की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2t + 3 dt। आपको फाइंड आउट क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? x। अब dx से x कैसे लाओगे भाई? सर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सही है। तो इंटीग्रेशन कर दो dx, इधर भी कर दो इंटीग्रेशन, 2t + 3 dt। अब लिमिट लगाओ, x की लिमिट 0 से x ही ले लो, मान लो शुरू में 0 पे था वो, और टाइम को भी 0 से कहाँ तक? 0 से 3 सेकंड तक बताना है ना, 0 से 3 तक। तो dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा भाई? dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा सर x, हो जाएगा? हाँ सर, और 0 से कहाँ तक? x तक, सही, यहाँ तक देख लो, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, 2t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 2 बाहर रहेगा, और t पे पावर 1 का क्या? t²/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी t² आएगा, और 3 बाहर आएगा, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t, तो 3t। पहले का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? प्लस क्या? 3t। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? सर 0 से 3 तक। इसका भी लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से 3 तक, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब क्या आ जाएगा x की वैल्यू? 3 का स्क्वायर यानी क्या? 9, और 3 का क्या आ जाएगा? वो 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना, और यहाँ क्या? यहाँ 3 रखो, 3 - 0, सही है। अरे भाई ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ ऐसे, तो 9 कितना हो जाएगा? 18 मीटर, या जो भी यूनिट है, मीटर सेंटीमीटर जो भी है वो लिख लेना, सही है। अरे मान लो एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है, वेलोसिटी इज गिवन बाई, वेलोसिटी जो है वो कुछ ऐसा दिया गया है, 4t² - 2t + 5, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है ना। डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 1 सेकेंड - 3 सेकेंड, 1 सेकेंड से 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या चला वो बताना है आपको। पार्टिकल की वेलोसिटी दी गई है 4t² - 2t + 5, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 1 सेकेंड - 3 सेकेंड, 1 सेकेंड से क्या 3 सेकेंड, सही है। क्या आ जाएगा वी को? क्या लिखेंगे अपन सर? dx/dt, सही है। हाँ सर, 4t² - 2t + 5 दिया हुआ है, यही ना, ये वी की वैल्यू लिख दिया, राइट साइड को एज इट इज छोड़ा, सही है। देख लो भाई अब क्या होगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो dx की वैल्यू कितना आ जाएगा? 4t² - 2t + 5 * क्या जाएगा? dt हो जाएगा, सही है, देख लो, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों तरफ, बिकॉज dx से क्या आता है? x आता है, तो इंटीग्रेशन कर दो, dx का इंटीग्रेशन, और इधर क्या?
फोर टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस फाइव डी टी। अच्छा x की लिमिट जीरो से x तक, क्या टाइम कहाँ से जीरो से थ्री तक, नहीं वन सेकेंड से थ्री सेकेंड में बताना, तो टाइम की इनिशियल लिमिट वन रहेगा, फाइनल क्या रहेगा थ्री रहेगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा अब ध्यान देंगे dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, तो x लिमिट कर लेना तो x ही आएगा, वही चीज़ तो है ऊपर वाला चीज़ है। अब ध्यान देना अब क्या हो जाएगा, इधर देखना भाई फोर टी स्क्वायर है ना, तो बाहर आ जाएगा तो क्या जाएगा टी क्यू बाई क्या हो जाएगा थ्री, ये वन से लेकर कहाँ तक थ्री तक, माइनस टू बाहर आ जाएगा तो टी स्क्वायर बाई टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर वन से कहाँ तक थ्री तक, फाइव बाहर आ जाएगा डी टी टी, सही है वन से लेकर कहाँ तक थ्री तक, देख लो भाई सही है। हाँ सर सोल्व कर दो इसको, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कितना फोर बाई थ्री, और यहाँ थ्री पे पावर थ्री कितना था भाई 27 और माइनस वन 26, माइनस थ्री का स्क्वायर होता है नाइन और माइनस वन एट, और थ्री माइनस वन क्या टू, फाइव टू जा क्या टेन, सोल्व कर लीजिए जो भी आंसर आ जाए आपका वो आंसर हो जाएगा, सोल्व कर लो कितना आ रहा है 104 बाई थ्री और प्लस क्या टू, तो थ्री टू जा सिक्स, यानी देख लेना कैलकुलेशन यही आ रहा मेरा, सही है देख लीजिए यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए, सही है। हाँ सर देख लो भाई आराम आराम से देखो, ठीक है। हाँ सर जैसे कुछ और क्वेश्चन देखिए, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे यार आप किताब से कर लेना, अब आप इंटीग्रेशन में आपको पढ़ा दिया हूँ तो फालतू ऐसे क्वेश्चन कराने टाइम पास हो जाएंगे, एक आध दो और देख लो एक्सेलरेशन बेस्ड वाले। किताबों में आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे वाले, जितना मर्जी उतना करो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है हाँ सर जैसे देखिए क्वेश्चन, आपको ऐसे बोला जाएगा ए इज इक्वल टू टू टी प्लस फाइव, सही है ये मतलब क्या एक्सेलरेशन, सही है इनिशियल वेलोसिटी जो आपको दिया गया है पार्टिकल का, इनिशियल वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड है, कितना है 2 मीटर पर सेकंड, तो आपको बताना है कैलकुलेट है ना वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है ना, वेलोसिटी बताना है आपको कितने सेकंड के बाद, सर 3 सेकंड के बाद, वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, कैलकुलेट वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, सही है 3 सेकंड के बाद आपको क्या बताना है वेलोसिटी बताना है, सही है देख लो यहाँ तक, तो ए की वैल्यू क्या दिया गया है 2t प्लस 5, वेलोसिटी बताना है, तो ए को क्या लिखोगे dv बाई dt, dv बाई क्या dt 2t प्लस 5, सही है यहाँ तक, तो dv की वैल्यू कितना आ जाएगा सर 2t प्लस 5 dt, अब dv से क्या लाना है आपको वेलोसिटी लाना है ना, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, टाइम कहाँ से कहाँ तक 3 सेकंड के बाद, यानी जीरो से क्या 3, और इनिशियल डी वी में यहाँ पे क्या आएगा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 2, फाइनल कितना जूम कर लो भी यही तो चाहिए, डी वी का इंटीग्रेशन क्या जाएगा भी, और जीरो से कहाँ तक सॉरी 2 से कहाँ तक भी तक, 2 से कहाँ तक भी तक, इधर 2 टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा टी स्क्वायर, जीरो से 3 प्लस 5 टी, जीरो से कहाँ तक 3 तक, देख लो इधर रख लो लिमिट राइट साइड में लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा वी माइनस 2 हो जाएगा इजिकस टू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और प्लस यहाँ 3 हो जाएगा यानी कितना 5 3 जाएगा 15, ये 24 हो जाएगा, तो v की वैल्यू कितना जाएगा 24 और प्लस 2 26 मीटर पर सेकंड, जो भी यूनिट है वो लिख लेना, यूनिट देख लेना मीटर पर सेकंड सेंटीमीटर पर सेकंड फुट पर सेकंड जो भी रहेगा उस हिसाब से आप लिख लोगे, सही है। जैसे एक और देख लो, मान लो कि एक्सेलरेशन की वैल्यू बोला गया है 2t है ना, एक्सेलरेशन है क्या आपका ये 3t स्क्वायर है ना प्लस 2t और प्लस 5, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है या स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोल देगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो ऐसे ही बोल सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्या रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना जीरो, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद क्या बताना है आपको वेलोसिटी बताना है, सही है। तो ए को क्या लिख देंगे डीवी बाई डीटी, ध्यान देना ए को क्या लिखेंगे डीवी बाई डीटी कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 dt, सही यहाँ तक सॉरी
सही यहाँ तक। हाँ सर, अच्छा अब क्या हो जाएगा, डी वी एजुकेश कितना आ जाएगा, 3t स्क्वायर प्लस क्या 2t प्लस क्या 5dt, सही है। हाँ सर, इंटीग्रेशन कर दो। वी का लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल तो जीरो है, फाइनल चाहिए आपको। टाइम का लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 सेकंड के बाद बताना है, तो 0 से 2, सही है। अच्छा अब डी वी का इंटीग्रेशन क्या लिख दोगे, वी तो वी माइनस जीरो क्या जाएगा, वी आ जाएगा 3t³/3, t³ का इंटीग्रेशन t³/3 ना, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, t³ जीरो से कहाँ तक 3 तक, 2 बाहर आ जाएगा, t²/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t²। आप इंटीग्रेशन कर ले खुद, मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है। 5t जीरो से कहाँ तक 2 तक, ये 0 से 2 है ना, देख लो भाई अब क्या आ जाएगा, सोल्व कर लो आराम से। वी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2³ 8 हो जाएगा, 2² 4 हो जाएगा, और 5² जा कितना जाएगा 10 हो जाएगा, सही है। तो ये हो जाएगा 22 मीटर/सेकंड या जो भी यूनिट है लिख लीजिएगा, सही है, देख लो भाई कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए यहाँ तक आराम से, यही सब एप्लीकेशन है, आराम से लिख लें स्क्रीन पॉज करके।